सर जी, कभी कभी मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती हूँ आपको। सब कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। जब भी बुखार होता था ना तो वहाँ बहुत ऐसे मेरा सर सहलाती थी, बहुत प्यार करती थी। ठीक है जनक, तुम सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? अन्नी जनक को दवाइयां देकर और छोटौन से बात करता है, पर कोशिश करता है कि अर्शी और पूरे परिवार का वहां आना जनक को पता ही नहीं चले, क्योंकि उसकी एग्जाम्स सर पर है। और अब सुबह सुबह जहां जनक अपनी पढ़ाई कर रही होती है, वहीं अन्नी जाता है किसी खास से मिलने, और वो है राहुल। और अब जनक की तबीयत खराब है जानकर राहुल भी घबराता है और पूछता है कि एग्जाम्स तो दे पाएगी ना जनक, पर अन्नी को तो अभी एग्जाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात करनी है राहुल से। और वो सीधे पूछ लेता है कि क्या वो जनक से प्यार करता है, और राहुल तो एकदम से हक पका जाता है अन्नी की बातें सुनकर और बोलता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पर उसने कभी जनक से ये सवाल कर नहीं पाया कि क्या वो उसे प्यार करती है, क्योंकि अगर उसका जवाब ना में होता तो राहुल को बुरा लगता। पर अन्नी राहुल को बताता है कि जनक उसे बहुत प्यार करती है, और राहुल तो चौंक ही जाता है ये सुनकर, क्योंकि जनक ने तो कभी जताया ही नहीं उसे। पर अब राहुल अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखता है अन्नी के और बोलता है कि वो जनक के साथ शादी करे भी तो कैसे, क्योंकि वो सिर्फ उसे एक ख्वाब लगता है, क्योंकि उसके पास ना ही पैसा है, ना ही जॉब, और ना ही वो कोई बड़े खानदान का है, तो ये सब बातें उसे नहीं पता। पर अन्नी राहुल को बताता है कि रिश्ते को निभाने के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और ये साथ ही आते हैं लाइफ में। और फिर राहुल को सरप्राइज कर देता है अन्नी ये बोलकर कि उसकी नौकरी को वो पक्का करवा देगा कोलकाता में, और मिलजुल के जनक और वो जिम्मेदारी बांट लें और रहे एक दूसरे के साथ तेजस के खौफ से दूर। और फिर राहुल बताता है कि जनक कितनी अलग है, कितनी मासूम है, और अन्नी का दिल सीधे छू लेता है इस बात से। और इस तरह से अन्नी राहुल को देता है जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा, वो है जनक। पर क्या जनक खुश होगी ये फैसले से? इतना कुछ करना चाहता है जनक के खातिर, पर अब जहां उसे पढ़ने जाना है क्योंकि एग्जाम्स है, वहीं अन्नी के आंख से झलकता है आंसू। बहुत कुछ बयां करता है कि कैसे वो जनक को अपने करीब नहीं रख पाएगा चाहकर भी, ये जन्म में तो नहीं, क्योंकि उनके रास्ते जो अलग हैं। पर जहां अन्नी को लगता है कि उनके जिंदगी के रुख अलग हैं, वहीं कहीं जनक अन्नी को अर्शिका होते देख अपना सब्र तो नहीं खो बैठेगी कि आखिर जिस सरजी को वो इतना प्यार करती है और इज्जत देती है, वो किसी और का कैसे हो सकता है। पर जनक अब अन्नी से राहुल को लेकर भी सवालात कर सकती है कि उसके निजी जिंदगी में दखल करने वाले भी वो कौन है, आखिर जनक ने किसी को अपने जीवन की ठेकेदारी अभी दी ही नहीं है। पर आखिर होगा क्या अब आगे, जहां अर्शी खुद श्रीनगर पहुंचने वाली है पूरे परिवार के साथ अन्नी से शादी रचाने, वहां जनक को कानों कान खबर नहीं अन्नी के प्लान्स के बारे में राहुल को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा इस नाजुक से मोड़ में, जहां जनक अपने आप को पाएगी क्या अकेले, या फिर पड़ेगी कोई बड़े मुश्किल में? देखते रहिए जनक की अपडेट्स यहीं पर, कंप्लीट बॉलीवुड पर, आपका ही चैनल है ये। तुम जाओ अपने एग्जाम्स की तैयारी शुरू करो, वैसे तो पास होने से पहले तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल गया, लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट। आई होप तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे से जाएं और तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिले। ठीक है मैं चलता हूं। ठीक है।
मैं तुम्हें अपने करीब रखकर तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता जनक, इस जन्म में तो नहीं। मेरी जिंदगी का रुख पहले से ही तय हो चुका है और तुम भी राहुल से प्यार करती हो।